हेलो एंड व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोरर फुकरे। और आज संडे का दिन है और सुबह सुबह का ये सिदरा रोड और शानदार सनराइज हो रहा है और मौसम समर में भी थोड़ा थोड़ा सा ठंडा है। तो इसी के साथ आज हम करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत और आपको मिलते हैं आगे, और जो वीडियो के जितने भी अपडेट हैं वो हम आपको आगे देंगे और हम कहाँ जा रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और ये रही जो हमारे सामने ट्रक्स नहीं, सामने रही ये त्रिकुटा हिल्स। वो जो मैंने वैष्णो देवी की एक वीडियो बनाई है ना, जो वैष्णो देवी का पार्ट है उसका नाम है देवी पिंडिया, तो उसका रास्ता जाता है यहाँ से। तो मैं लिंक दे दूंगा उसका आई बटन में। ये यहाँ से नारायण हॉस्पिटल, यहाँ से अंदर जाके दूसरी तरफ से इसका रास्ता आता है, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। बहुत ज़्यादा प्यारी प्लेस है, आप ज़रूर जाना वहाँ पे माता का आशीर्वाद लेने। और वो रहा जो सामने दिख रहा है, माता रानी का भवन। और जो मंदिर की मैं बात कर रहा था, मंथल के पास, क्या मंथल कालिका टेंपल, कालिका मंदिर, मंथल पहुँच चुके हैं और आपको भी माता रानी के दर्शन करा देते हैं। हेलो व्यूअर्स, तो ये रहा जैसे आप बाइक वगैरह पे यहाँ बसेस वगैरह आती हैं तो ये रहा माँ काली का मंदिर। तो इनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे सारे रुकते हैं, तो इसके साथ सफ़र अच्छा होता है एंड सेफ जाना चाहिए। तो माता रानी का आशीर्वाद लेके हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो जय माता दी। हेलो व्यूअर्स, तो अभी हम लोग पटनीटॉप के लिए जा रहे थे तो रास्ते में महाकाली का मंदिर आता है यहाँ पे। तो ये मंथल में है मंदिर, तो मंथल में जो नीचे है मेन मंदिर यहाँ पे है, ये ऊपर जो लोग जा रहे थे ये उनके लिए है, तो मेन मंदिर है वो जो नीचे है। तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है, पटनीटॉप जा रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आना भी है वापस एक ही दिन का है। तो अगर आप आओ तो यहाँ पर ज़रूर जाना, बिल्कुल शांत जगह है और जम्मू आ रहे हो तो स्पेशली इन सब चीज़ों के लिए टाइम आ गया ना। तो इसी के साथ हम लेते हैं आपको आगे। तो माता रानी का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग ये पीछे आए थे, तो वो रहा झरना। तो आपके पास अगर कभी टाइम हो यहाँ पे, अगर आप आओ मंथल काली माता के मंदिर, तो यहाँ से वो पीछे से रास्ता है नीचे से मंदिर से होते हुए जाता है नीचे की तरफ, तो यहाँ ज़रूर जाना है झरने के पास। और शैतानी मत करना झरने के पास जाके, क्योंकि बहुत लोग डूबने की खबर भी आती है यहाँ पे। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं आपको आगे। यार सच्ची बोलूँ, इस रोड पे मैं इतनी बार आया हूँ ना, क्योंकि हमें जब भी जाना है जम्मू से हमें इस रोड पे चढ़ना ही पड़ता है हाईवे पे, पर यार हर बार ना इस रोड का अलग ही मजा है। ये हरियाली देख के, और ये था स्मूथ रोड है, 90 चलती है जब बाइक। हाँ 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 यार क्या मजा आता है, बस यही है मजा। खत्म हो चुका है और इसके बाद आएगा ऐसे 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 वाला सारे तरह के रोड, और अगर पानी हो तो पूरा मड वाला रोड मिलेगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, उधमपुर क्रॉस कर लिया है, उधमपुर से थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर बाहर आए हैं और टाइम हुआ है 8:45, 15 मिनट काम है 9 बजने में। और फाइनली व्यू स्टार्ट हो चुका है, सूर्य देवता उठ चुके हैं और हम जाते ही पहले नाग देवता जी के दर्शन करेंगे। एंड अगर आप आओ उधमपुर तक तो आप अच्छे से ड्राइव करो और इसके बाद थोड़ा यहाँ पे ध्यान से चलाएं, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ अभी बन रहा है और ट्रक्स के लिए है मेनली, और यहाँ पे ऑफ रोडिंग भी खुली मिलती है करने को।
और जाते जाते बाइक पूरी दूसरे रंग में होगी। और इसी के साथ हम आगे देते हैं आपको अपडेट, और ये रही पहाड़ियों का व्यू, और साथ नीचे कचरा दिख रहा होगा आपको सारी, और ये रहा व्यू। जो टनल से थोड़ी सी पहले अब पटीटॉप के लिए जो रास्ता जाएगा, तो उससे थोड़ा सा पहले सनासर, ये देखिए ये बिल्कुल ढीला हो गया हुआ है। तो अगर आप कभी भी टूरिंग वगैरह करते हैं, नॉर्मल थोड़ी सी भी करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा दूर तो आए नहीं हैं, तभी भी नॉर्मल अपने पास चाबियाँ वगैरह रखें, क्योंकि अभी ये ढीला हो गया था, क्योंकि अभी अगर ये ढीला ही लेके चलते रहते तो ये रास्ते में गिर सकता है। तो अच्छा लग रहा है, पहली बार मेरे इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, और आज ट्रैक्टर ऑन ने कभी धोखा नहीं दिया हमें, काफ़ी अच्छा लगता है। फाइनली फ्रेंड्स, ये है जो हाईवे है, इसका नाम है शेर ए कश्मीर हाईवे, और ये जा रही है नाथी टनल। ये जो एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है ये वो है। तो अभी हम लॉन्गेस्ट टनल से नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग टनल है, सीधे ऐसे ऊँ करके चलाना पड़ता है, बड़ा अजीब सा लगता है 9 किलोमीटर तक। तो अभी हम जा रहे हैं पुराने रोड से, जो कर्व वी रोड है, वहाँ पे कम रश होता है, और ऐसे भी हमने पटनीटॉप जाना है तो वो ज़्यादा अच्छा व्यू रहेगा। तो आप कभी आएँ तो इस वाले रास्ते से जाएँ, अगर स्पेशली पटनीटॉप जा रहे हैं। और आगे अब हम आपको मिलते हैं आगे। ये रहा, अभी हम आपको एक दिन शुद्ध महादेव का भी देंगे। शुद्ध महादेव का रास्ता अंदर की तरफ जाता है, और अभी हम जा रहे हैं पटनीटॉप। पटनीटॉप है 20 किलोमीटर, हम तो जा ही सकते हैं ना। रोड बिल्कुल स्मूथ एंड बिल्कुल ज़्यादातर खाली होगा, और ज़्यादातर खाली देख के जोश में मत आना, क्योंकि एकदम लोग भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं। ये ही नजारे तीनी नीनी नारी। ओ यारो, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कुद। ये कुद की वही सिटी है जो हम बचपन में देखते थे, फुल्ली क्राउडेड, यहाँ पे गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती थी, और आज ये प्रेम वगैरह सब हाईवे पे बना चुके हैं, और ये पूरी तरह खाली हो चुका है। पर एक चीज़ यहाँ पे सबसे बेस्ट हुई, नेचर अपनी फुल फॉर्म में आ गई हुई है। अभी दोपहर को जैसे आपको कैमरा में दिख रहा होगा कि धूप है, पर इस धूप में भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब इसमें भी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बिल्कुल मज़ेदार। तो अच्छी बात है हाईवे बना और ये खाली हो गया, बहुत अच्छा हुआ। हेलो फ्रेंड्स, अगर पटनीटॉप की तरफ आओगे तो यहाँ पे इसको तरबूजा बोलते हैं, वाटरमेलन, तो यहाँ पे फ्रेश फ्रूट मिलते हैं, और ये सब्जी मंडी भी है यहाँ पे। तो आओगे तो ज़रूर खाना पीना यहाँ पे फ्रेश फ्रेश, अलग ही मज़ा आता है, और पहाड़ी के नज़ारे भी साथ में मज़ा ही आता है। तो इसके बाद मिलते हैं हम आपको आगे। तो मेरा और फ्रेंड्स, फाइनली अब हम यहाँ से अंदर की तरफ हो जाएंगे, क्योंकि अंदर वाली साइड आता है नाग देवता जी का मंदिर। तो अब हम पहले नाग देवता जाएंगे मंदिर, उसके बाद आपको बाहर वाला रोड दिखा देंगे। और हमने सोचा कि इन्होंने हमें खुद ही रास्ता दे दिया, हमने देखा नहीं कि आगे मेटाडोर आ रही थी। मैं वाह, इतने अच्छे लोग। और मंदिर में काफी रश है। एंड फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं नाग मंदिर, और नाग मंदिर पहुंचने के बाद नीचे शायद वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, अलाउड है पर नहीं बनाते हैं सारे। तो अभी नई कंस्ट्रक्शन हुई है यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्लेस है, और काफ़ी सही जगह पे बनी हुई है। एंड ये देखिए, अगर आप आओ यहाँ पे शो पीस वगैरह ये भी ले सकते हो, और माथा टेकने के बाद हम खाएंगे रोटी। तो रोटी खाएंगे जहाँ से हम अभी आए हैं, नीचे से शमशेर ढाबा, वहाँ पे ही खाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी शो पीस हैं, रेट इनके आग छू रहे होते हैं सबके। तो मंदिर जाने के बाद, दर्शन करने के बाद हम लोग आपको मिलते हैं। मंदिर एंटर कर चुके हैं, तो मंदिर काफ़ी रश में है। ये रहा बाबा जी का मंदिर नाग देवता। ओ, आगे भी जाना पड़ेगा रश में। एंड फाइनली टीका लगा लिया, माथा दूर से टेका, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। इस
कुछ इसे आगे जगह नहीं मिली जाने के लिए। उसके बाद करेंगे सॉरी क्या होता है पेड़ पूजा। हाँ पेड़ पूजा नहीं है और काम दूजा। और वो देखिए दिख रहा यही जिंदगी है बड़ू। तो आपको मिलते हैं खाना खाने के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। फाइनली फ्रेंड्स, अगर जब भी आप पटनीटॉप आओ तो ये हमारे भाई हैं शमशेर भाई, इनके पास आना। YouTube हमारा चैनल का नाम लेंगे, आपको 10% डिस्काउंट भी देंगे। और भाई बहुत सारा सही रोटी बनाते हैं और वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। तो जब भी आओ ज़रूर उनके पास खाना, बहुत सही रोटी बनाते हैं। तब तक के लिए अब आगे बढ़ते हैं। एंड फ्रेंड्स, जो ये वाला रास्ता है ये जाता है ब्लोर की तरफ और हमें जाना है पटनीटॉप मेन। तो जो मेन पटनीटॉप का रास्ता है वो जो हम यहाँ से सीधे जा रहे हैं यहीं से है। तो अब हम चलते हैं, आपको ग्राउंड के दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे काफी, जहाँ भी आप बैठना चाहें काफी जगह हैं। और यहाँ पे अगर स्पोर्ट्स कोई भी गेम खेलनी हो तो सबसे मेरे हिसाब से फेवरेट मेरी होगी फ्रिस्बी। फ्रिस्बी का बहुत मजा आएगा रे इधर, बहुत ज्यादा। और ये देखो रश आगे काफी है, आज नथाटॉप में भी काफी लोग होंगे क्या। हेलो व्यूअर्स, तो यहाँ पे है ADV, वो साइकिल के लिए ADV 1 किलोमीटर का राउंड है 300 रुपीज़ का एंड साइकिल रुपीज़ 150 सेम। तो अब चलते हैं आगे ग्राउंड की तरफ, लेट्स गो। 150 ये ह्यूमन पावर से चलने वाली किश्तियाँ हाथ से रोटेट करके, नाइस। हेलो फ्रेंड्स, ये है पटनीटॉप के मेन साइड पे पहुंच के, जो सबसे पहले ग्राउंड आता है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए ट्रैम्पोलिन बॉल है, वो जो रोल होती है बड़ी वाली बॉल, एंड छोटा सा स्विमिंग पूल है। तो ADV राइड एंड वो भी है। एंड इसके आगे हम लोग चलते हैं नथाटॉप की तरफ। नथाटॉप में काफ़ी अच्छा व्यू है और वो खुशी इतनी ज़्यादा हो रही है मुझे, मैं कितनी बार आ चुका हूँ पर मुझे हर बार जब भी आता हूँ खुशी हर बार होती है और आज फिर हो रही है। और सामने देखिए व्यू, वाओ, इट्स अमेजिंग ब्रो। और फाइनली ऊपर बादल आया हुआ है और मौसम बिल्कुल चेंज हो रहा है बार बार। ये देखिए अभी बिल्कुल आय हाय 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 ठंड लग रही है मामा। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नथाटॉप और आपको दिख ही रहा होगा ये टावर बड़ा सा। हेलो एंड व्हाट्स अप पीपल, अभी हम पहुंच चुके हैं नथाटॉप के टॉप पे। हम लोग यहां हैं और जो पीछे आपको ये लोहे का खंभा दिख रहा है इसी को नथाटॉप की निशानी माना जाता है। और ये आपको पटनीटॉप के नीचे से भी दिख जाएगा कि यही है ये टावर, और नथाटॉप के बिल्कुल एग्जैक्टली सामने है जो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कि ये है आर्मी एरिया का। सेम टावर वगैरह लगे हुए हैं और वो आर्मी एरिया ने कवर किया हुआ है, तो उसको नथाटॉप समझ के गलती से भी मत जाने की कोशिश करना क्योंकि उसके बोर्ड पे लिखा हुआ है अगर आपने वहाँ पे घुस बैठ करने की कोशिश की तो आपको सीधे गोली मारी जाएगी और वो आर्मी के अंदर है और आर्मी गोली ज़रूर मारेगी।
तो इसी के साथ हम लोग करते हैं आज अपने ब्लॉग की क्लोजिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो देना एक बिग फैट थम्स अप, और अगर ये चेहरा पहली बार देखा और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे और वीडियो बनाने की प्रोत्साहन मिलेगा। हिंदी शब्द यूज़ किया मैंने, बहुत भारी है तो इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करना, एंड तब तक के लिए अलविदा। जो सब आप करना चाहते हैं आप कीजिए, एंड गुड बाय। तो मेरा बेचारा बंदा वो हंस रहा है, दान निकाल रहा है मंदिर की टूटी सारा। फ्रेंड सॉरी अब्यूजिंग करने के लिए, तो जो लेकिन वो है क्या बोलते हैं उसको, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, अच्छी लगे तभी लाइक करना।